चंद्रमुखी। ए, मैं तेरी फोटो खींचू, चल फुल स्माइल कर। मैडम साइन चाहिए थी, पेन आपके पास? उसे मारा क्यों? अरे टुकुर टुकुर ताक के रही है मन्ने, पागल हूँ के मैं? लव में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें मैडम आपके दिल का क्या है कसूर? कोकी बेटा, ना वो जो थारा बचपन का दोस्त है ना पिंटू, ना वो बाहर धूप में खड़े खड़े सूख रहा है, ना उसके साथ जाके स्टेपू खेल ले चल। मम्मी जी आप चिंता मत करो, मम्मी जी रात ना मुझे एक सपना आया, मैंने सपने में देखा जी सर जी आपको आई लव यू बोल रहे थे। अरे यो जो मक्खन सिंह है ना, ना घना बेशरम आदमी से, अरे दूसरों के सपनों में जा जाके आई लव यू कहता फिरे, मारे सपनों में आने का के टिकट लगता है भाई। मैडम सर के साथ आपकी शादी और सुहागरात मनवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अरे जो यो करवा दिया ना तूने तो तू देश में आएगा भाई। चलो भाई धंधे पे लगो सब। सॉरी क्या ये ईमान चौकी है? ना यो हो रहा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। व्हाट? ना मैं कोच हूँ, यो पीटी कराएगा, चल क्रिकेट खेलते हैं। अरे वाह बड़ा अच्छा स्टेडियम है। सॉरी थैंक यू। तू कौन है भाई? जी मेरा नाम है ना घनश्याम घी वाला है। घी बेचते हो? नहीं मेरी सरनेम है। ओ, बड़ा कोलेस्ट्रॉल वाला सरनेम है मैडम इसका। क्या बात होगी? देखिए मैडम क्या हुआ कि मैं हूँ ना एक क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट लड़का हूँ, 32 साल उम्र है मेरी। yes! बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ मैं, हर साल ना मुझे 99% मार्क्स आते। कल मैं रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ गुंडे लोग आए और जबरदस्ती मेरा किडनेपिंग करके लेके गए, जबरदस्ती मेरी शादी करवाई और जबरदस्ती मेरी सुहागरात भी मनवा दी। अबे ऐसे कैसे मनवा दी बे, पहले तू मना होगा फिर सुहागरात मनी होगी। वैसे लड़की कैसी थी? कहाँ यार, मैंने आंखों में तो पट्टी बंधी थी ना। अरे यो घोर कलयुग अनपढ़ है भाई, ना सबकी शादियां हो रही हैं, जबरदस्ती सुहागरात मनाई जा रही है, ना एक मारा ही कुछ ना हो रहा, हम पे ही कांटे हैं। आपके कांटे बाद में निकाल लेना। सॉरी थैंक यू मैडम, बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग कर आया हूँ, आप मेरी FIR लिखिए ना, और जहाँ पे मेरी शादी तय हुई थी ना वहाँ पे भी टूट चुकी है। वो तो टूटनी ही थी, राम तेरी गंगा मैली जो हो गई है। सॉरी थैंक यू। देख भाई गुड्डू ना भाई यार कैसे लिख दे थारी, ना थारी आंखों पर पट्टी थी ना चश्मदीद कोई है नहीं गवाह, तो ये किसके खिलाफ FIR लिख ले? तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे मैडम 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 मैडम, ए स्टे 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 बॉय स्टे स्टे स्टे। क्या हो गया? मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अरे मारे जिंदा रहते हुए ना थारे दिमाग में क्या आ गया गुलगुले? मैडम आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में? हाँ। मैडम सुबह से ये पहला बकरा इसको क्यों जाने दें ऐसे? अरे मैडम आजकल ऐसा होता है, लोग अपनी डिफेक्टिव लड़की की शादी एक क्वालिफाइड लड़के से करवा देते हैं। मैडम इसने उन लोगों को नहीं देखा लेकिन उन लोगों ने तो इसे देखा है। अरे देखा क्या, अपना दामाद बनाया है तो ढूंढते हुए तो आएंगे ही, और जब ढूंढते हुए आएंगे हम थोड़ा माल अंदर कर लेंगे और इस 99% को लौटा देंगे। तू मारी शादी होने के बाद मारे घर का फाइनेंस डिपार्टमेंट तू ही संभालेगा बेटा, वेरी गुड। अरे गोपी। हाँ जी जी। इसने अंदर धर ले। क्यों? अरे देख भाई गुड्डू, ना पुलिस का काम करने का अपना एक स्टाइल होता है, तू टेंशन कोई ना ले, अंदर बैठ के आराम से लस्सी शस्सी पी, सारा केस हम सॉल्व कर देंगे, नो प्रॉब्लम। चलो ए क्वालिफाइड आदमी हो, और क्वालिफाइड आदमी हमेशा अकेला चलता है। आइए आइए आइए। हाँ। चलना पिट्टू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू बार बार गेम में मेरे साथ चीटिंग करता है? कोकी कोकी, इसने तो सिर्फ गेम में चीटिंग की है लेकिन तुमने तो जिंदगी में मेरे साथ चीटिंग की है। ए मोटे, और ये मेरी बचपन की दोस्त है। पुलिस के साथ ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। कोकी इसके साथ अभी कुट्टी करो, अभी अभी कुट्टी करो। कट्टी कट्टी अभी कट्टी। बाप का माल है क्या? मैं बाप पे जाता है तेरे। चुगले चुगले चुगले। तू शादीशुदा यार, एक बच्चे का बाप है। अरे बाप है तो क्या हुआ, दोस्ती भी नहीं कर सकता क्या? और अरे मैं अंदर काम के बोझ तले मरीज जा रही हूँ, तुम लोग यहाँ स्टेपू खेल रहे हो, स्टेपू खेल रहे हो तुम। क्या बात है मम्मी जी, आप परेशान लग रहे हैं। आप जब भी परेशान होती है ना किसी की शामत जरूर आती है।
मैं जानता हूँ मैडम आप परेशान क्यों हैं, लेकिन आप घबराइए मत, सर के साथ आपकी शादी और सुहागरात मैं जरूर मनवाऊंगा। सुहागरात मारी हो रही है ना, एक साइड ही और ज्यादा हो रहा है। अरे मन ने तो लग रहा है हमारी जिंदगी में सुहागरात की रात ना है, बल्कि अंधेरी काली रात ही है बस। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक दूल्हा बाराती सुहाग राती आइडिया आ रहा है। विदाई सेरेमनी बीत जाएगी न, तब बताएगा तू अपना आइडिया। मैडम वो घनश्याम घी वाला जो है ना, उसके साथ सुहाग रात जबरदस्ती मनाई गई, उसकी शादी भी जबरदस्ती करवाई गई। तो अरे तो क्या मैडम, अगर उसके साथ ये सब जबरदस्ती हो सकता है तो ये सब आपके साथ भी जबरदस्ती हो सकता है मैडम। मैडम हम सर को किडनैप करवा देंगे और उसके बाद उनकी शादी आपके साथ जबरदस्ती करवा देंगे, सुहागरात भी जबरदस्ती मनवा देंगे और उसके बाद सर को आपको अपनाना ही पड़ेगा मैडम। द लाइन इज क्लियर। इधर जाने दीजिए मम्मी जी, बच्चा है नादान है, इससे गलती होगी। ओ भाई वकील अंकल ना, तू थारा देख, तू इधर आ। पुलिस डिपार्टमेंट को थारे ऊपर ना जाए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब सर जी का किडनैप कंफर्म। अरे यस, इसके अलावा और कोई रास्ता भी ना है, पर प्रॉब्लम यो है कि यो किडनैपिंग करेगा कौन भाई? अरे मैडम उसके लिए भी मेरे पास आदमी है, ये किडनैपिंग करेगा कल्लू किडनैपर, जो किडनैपिंग दुनिया का शाहरुख खान है। अरे शाहरुख खान यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। NXP2 में अगर O2 मिलाया जाए तो NXP2 डाइल्यूट हो। अबे ओए इससे बात करो। आई एम क्वालिफाइड पर्सन, बिहेव योरसेल्फ। यहां पे क्यों आए हो भाई? हम आए इसलिए हैं कि तुम जैसे टोंडूमल बिखरे हुए बाल मतलब हेयर स्टाइल किस्म के आदमी का जबरदस्ती किडनैप हुआ, उसके बाद तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई गई और जबरदस्ती तुम्हारी सुहागरात भी मनवा दी गई भाई वाह। अरे ये बताना कि ये जो गैंग है मतलब जो जबरदस्ती लोगों को किडनैप करता है, उनकी शादियां करवाता है और फिर बोनस के तौर पर सुहागरात भी करवा देता है, उनका कुछ नाम अटा पटा मतलब नंबर टेलीफोन नंबर एड्रेस कुछ तो होगा ना? प्लीज हमें दे दो, अगर तुम हमें दे दोगे तो फिर हम ट्रायल तुम्हें छोड़ सकते हैं। देखिए एड्रेस और अब जल्दी करना। हाँ, बाय हार्ट नहीं है ना? 9 8 7 2 5 6 6 3 2 1 कुछ नाम ऐसे लिखो कि नाम नहीं होते। अरे हाँ दे आर नॉट क्वालिफाइड ना। खूफिया खूफिया एग्जैक्टली आई नो माय बदरे घंटी बदरी। हेलो हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो ओ हेलो, देखिए मेरा नाम है चीफ इंस्पेक्टर तो कह नहीं सकते। देखिए मेरा नाम है रॉडनी जान, देखिए हमारे एक अजीज दोस्त ने हमें आपका नंबर दिया है, आपकी आजकल वो स्कीम निकली हुई ना मार्केट में जहाँ पे आप लोगों को जबरदस्ती किडनैप करते हैं, उनकी फिर जबरदस्ती शादी करवाते हैं और फिर जबरदस्ती उनकी सुहागरात मनवाते हैं। देखिए हम उस स्कीम में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, हमें ये जानना चाहते हैं कि जब आप सुहागरात करवाते हैं उस टाइम पे कोई सिलेक्शन प्रोसीड। अरे हाय 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 भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार। मैं यहाँ पे इस केस की तफ्तीश करने में लगा हुआ हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? आपके दिमाग में ना उच्चे विचारों के बदले लुच्चे विचारों का भंडार लगा हुआ है। मिस्टर डाला हटिया से रेडी इडियट्स। हमारे दिमाग में कैसे विचार आते हैं यो तो तन्ने घनी जल्दी पता चल जाएगा। आण दे उस साले कल्लू किडनैपर ने। ना तू ही हो रहा है वो कल्लू किडनैपर। हाँ मैंने तो मोहल्ले के मोहल्ले किडनैप कर दिए हैं, शहर के शहर किडनैप कर दिए, स्टेट किडनैप। ओ परवचन बोल बच्चन अमिताभ बच्चन, ना काम की बात कर रही हो, बता मक्खन सिंह ने कैसे किडनैप करेगा तू? हाँ तो आज रात को मैं किडनैप करूंगा, उससे पहले उसे पिलाना होगा, तब हो चुका किडनैप। हमारे सर जी तो पीते नहीं। अरे कुछ पीता नहीं तो खाता जरूर होगा।
हर पुलिस वाला कुछ ना कुछ खाता जरूर है, उसे कुछ ऐसा खिला देना कि उसका पेट खराब हो जाए और वो टॉयलेट में जाए, और जैसे वो टॉयलेट में जाएगा मैं रोशनदान से कूद के उसे किडनैप कर लूंगा। बस ये बोलने का टाइम खत्म, करने का टाइम चालू हो गया है। इब तो जो है ना प्लान फिक्स हो गया है। और तू ना, तू क्या कह रहा था, पुलिस बड़ी खाऊ हो रही है ना, खाऊ हो रही है। मैडम ये हमारा किडनैपर है, अगर आप इसे मार देंगे तो किडनैप कौन करेगा? हाँ। अरे पर गुलगुले, यो जो है चंड अशोक की तलवार हो रही है, एक बार जो मियां से बाहर आ जाए ना तो गोली दांत के अंदर जाती है। इब किसने गोली मार दी? मैडम चले मार। हेलो, मैं रात को आता हूँ। गुड इवनिंग सर जी। अबे तू। गुड इवनिंग सर। और तू? अच्छा भाई, वैसे ड्यूटी तो आज हमारी है रात की, आप लोग क्या कर रहे हैं थाने में? बस रमी जी। भाई क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कुछ? मुझे सब मालूम है। के मालूम है तने? कि अगर हमारी ड्यूटी के वक्त आप सब के सब थाने में मौजूद हो तो इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं, आपने कहा की बात कहाँ जोड़ी है, दाल में काला नहीं, दाल की कचौड़ी है। ओहो, वो तो हमारा मोस्ट फ्रॉडिस्ट एंड फेवरेट आइटम है यार। लेकिन हम खाएंगे नहीं। आसू, आसू, सर, सर, ऐसा मत कीजिए सर, ये मिनी कचोरी में बहुत प्यार से आपके लिए लेकर आया हूँ। पता है क्यों सर? पता है क्यों? क्योंकि सर मेरा एक बड़ा भाई था आपकी तरह, उसे भी मिनी कचोरीज का बड़ा शौक था आपकी तरह। एक दिन जब घर में उसे मिनी कचोरीज नहीं मिली तो वो घर छोड़कर चला गया सर आपकी, और कभी नहीं लौटा। तब से हर साल जब उसका जन्मदिन आता है ना सर, मैं किसी ना किसी को अपना बड़ा भाई मानकर, जैसे पिछले साल मैंने इन्हें अपना बड़ा भाई माना था, वैसे ही इस साल आपको अपना बड़ा भाई मानकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज ये मिनी कचोरीज खा लीजिए सर, मेरे बड़े भाई की आत्मा बहुत खुश होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, तेरी शर्ट गिरी हो जाएगी, खा रहे हम। वैसे हमारा सबसे फेवरेट आइटम है, खुशबू काफी अच्छी आ रही है। रेडी? अबे यार, इसका नाम तो है मिनी कचौड़ी, लेकिन ये मेरे सिस्टम में जाके बन गई है काफी चौड़ी। हम अभी आते हैं भैया, नेचर का फुलावा आ रहा है। वैसे गुलगुले भाई, कौन से घी में बनी है भाई? सर गेंडे के दूध के घी में। ओह माय गॉड। किडनैपर कहाँ मर गया? फोन कब लगाएगा तू? इतना बड़ा फोन कहाँ से आ गया थारे पास? होल्ड ऑन। हेलो, अरे भाई कल्लू कहाँ हो तुम यार? हाँ सर, तो बाथरूम में चले गए क्या? क्या हो गया? कल्लू नहीं आएगा। अरे क्यों? क्योंकि हमारे किडनैपर को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? सॉरी, थैंक्स, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, देखो ऐसे किडनैपिंग नहीं होता। ए तू चुप करना है यार। मम्मी जी समझ नहीं आ रहा जी, अब क्या करेंगे जी? नहीं, कोई और आइडिया लगाए, सर को अंधेरे में उठाए। अरे सुने मेरी बात, ऐसे किडनैपिंग नहीं होता। कोकी, इसने बाहर निकाल। कब? अच्छा गेट यहाँ पे, सॉरी। थैंक यू। मैं क्या कहता हूँ, ऐसे किडनैपिंग नहीं होता। तो कैसे होता है? अरे जैसा मेरा हुआ था।
ना थारा कैसे हो गया? मैं एक्चुअली क्या था कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था सड़क पे, अचानक सामने ना एक लड़की आ गई, वो डांस करने लगी। मैं भी जरा बेबस हो गया, मैं भी बाहर निकल के उसके साथ डांस करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो मुझे ना एक पेड़ के पीछे लेके गई। उसने कहा वहां पे, ए देखो सोने की चिड़िया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उसने हैंडकरचीफ माने के रुमाल मेरे नाक मुंह और कान पे ढक दिया, तीनों एक साथ। हाँ हाँ, उसमें ना NX-P2 नाम की बेहोशी की दवाई मिलाई थी उसने। ओहो, अरे तू तो घना एक्सपीरियंस्ड आदमी दिखे। अरे मन्ने एक बात बता ना, जो थारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तन्ने किसी का किडनैप करना पड़ जाए तो तू कर सकेगा? हाँ, जरूरत पड़ी तो। अरे तो जरूरत आन पड़ी है बेटा, इब तो तू हमारी चौकी का ऑफिशियल किडनैपर हो रहा है। बस यो किडनैपिंग तू करेगा हमारे लिए। अरे क्या बात करते मैडम, अरे मैं खुद अपने किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ यहाँ पे। अरे देखो भाई, जो पुलिस है ना, फ्री में कोई ना बैठी। भाई हम आपकी थोड़ी मदद करेंगे तो उसके बदले में आपसे भी तो थोड़ी मदद लेंगे कि ना? बार्टर सिस्टम? यस। लेकिन उसमें मैं कुछ सामने से नहीं दे सकता ना, माने मेन आइटम उसमें जो है वो लड़की नचनिया, वो कहाँ से लाएंगे? गुलगुले। मैडम एक्चुअली आप ही डांस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बॉस, भाई डिसाइड कर लिया है मैंने, आज रात को हमारे हाथों से मक्खन सिंह बच कोई ना पाएगा। सॉरी, थैंक यू मैडम, ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इन। मैडम अब तो आपकी बारात और सुहागरात दोनों पक्की। नहीं मैडम, बातों में वक्त ना गवाए, इन्हें किडनैप करके ले चले कहीं कोई आना जाए। नहीं यो छोरी ना घनी सत्य बात बोल रही है, चलो चलो धर लो इसने। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड सर, आप अचानक कहां से आ गए? लेकिन ये सब क्या है? क्या ये? यो किडनैप हो गया सर। किडनैप? यस सर, सर सर बात यो है कि यो किडनैप होने वाला था, मन्ने पहली सी जानकारी लगी तो जो है ना मैंने गेटअप में ड्रेस चेंज करके इसने बचा लिया। यो 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 किडनैपर है। मैं तो खुद किडनैप करने आया था। ये खुद इकबाल ही जुर्म कर रहा है सर, ये कह रहा है मैं खुद किडनैपर हूँ। सर आप कहें तो मैं इसे अरेस्ट कर लूँ। अरेस्ट हिम, थैंक यू सॉरी, लेकिन गाँव सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुम्हें किडनैप किया जा रहा था। अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इनका, जिन्होंने वक्त पे तुम्हें बचा लिया। जो बात करने आया था वो कल करूंगा जब तुम्हें होश आ जाएगा। राइट सर, थैंक यू सर। भाई मिस्टर डाला, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने हमारी जान बचाई, थैंक यू। अरे थैंक यू की तो कोई बात ना है मक्खन सिंह, क्योंकि जान तो मैंने मारी बचाई है। क्या मतलब? अरे मतलब यो कि तू ही तो मारी जान है मक्खन सिंह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।